रैरिटी, तो तुम यहाँ कितनी देर और रुकने वाली हो डार्लिंग? ओह डियर, क्या कोई और पोनी वेट कर रही है? नहीं नहीं, मैं बस नहीं चाहती कि तुम्हें वो क्या कहते हैं जुर्माना पड़ जाए। वेल, मैं बस एप्पल जैक का इंतजार कर रही हूँ। हमें स्पा में साथ एक आरामदायक दिन बिताए बहुत दिन हो गए हैं। मुझे यकीन है वो किसी भी पल आती ही होगी। हे देयर रैरिटी, मैंने सच में जल्दी पहुँचने की कोशिश की, पर पता नहीं क्यों आजकल मुझे काम निपटाने में बहुत वक्त लग रहा है। कम से कम अब तो हम स्पा में थोड़ा क्वालिटी टाइम बिता पाएंगे, है ना? ओके फिलीस, अब स्पा बंद करने का समय हो गया है। ओह शक्स रैरिटी, लगता है मैंने पूरा दिन मिस कर दिया। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं भी। दिल जो है स्ट्रॉन्ग भी, शेयरिंग काइंडनेस है इजी, और मैजिक से ही जिंदगी मेरी दोस्ती ये दोस्ती है पक्की। हाय रैरिटी। मॉर्निंग ट्वाइलाइट। स्पाइक, ये तो बहुत सारी खाली पाई प्लेट्स हैं। हाँ, हम बस कुछ फ्रेश पाइस लेने जा रहे थे। पता नहीं क्यों कैसल में ये इतनी जल्दी खत्म हो जाती है। तुम क्या लोगी? एप्पल जैक, दरअसल हालांकि मुझे यकीन है कि वो अभी बहुत बिजी होगी। क्या मतलब है तुम्हारा? कुछ नहीं, वो बस ऐसा है कि एप्पल जैक और मुझे स्पा में दिन बिताए जमाना हो चुका है। तुम दोनों को वाकई कुछ वक्त निकालना चाहिए। डार्लिंग, मैं कई दिनों से कोशिश कर रही हूँ, पर एप्पल जैक इन दोनों इतनी बिजी है कि ऐसा कर पाना नामुमकिन हो गया है। वाओ, मुझे नहीं पता था कि एप्पल जैक के पास इतना सारा काम है। प्लीज। जरूर स्पाइक। मुझे नहीं लगता कि ये पाइस तुम्हारे आज के कामों की लिस्ट में आखिरी हैं। अब मैं क्या करूं? क्या हमारे स्पा का टाइम हो गया है रैरिटी? रैरिटी, क्यों ना तुम वहाँ पहुँचो और मैं बस थोड़ी देर में आई। प्लीज एप्पल जैक, खुद से मजाक करना बंद करो। वेल, ऐसा नहीं है कि मैं आना नहीं चाहती, पर न जाने क्यों फार्म का काम आजकल ज्यादा वक्त ले रहा है। तुम दोनों को साथ वक्त ना बिताते देख बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। क्या फैमिली में कोई और पोनी कुछ देर के लिए तुम्हारा काम नहीं संभाल सकती? काश ऐसा होता, पर ग्रैनी, बिग मैक और एप्पल ब्लूम के पास अपने काम भी तो है, और आज वो तीनों फसल मार्केट में ले जाने में बिजी है। मैं जानती हूँ हम फार्मर्स नहीं है, पर मुझे यकीन है कि स्पाइक और मैं कुछ देर के लिए काम संभाल सकते हैं। शायद कोई ऐसे काम है जो हम कर सकते हैं? Well, देखो, अगर तुम दोनों पिग्स को खाना खिला दो तो मैं एक घंटे के लिए जा सकती हूँ। स्पा परफेक्शन का एक घंटा, मुझे वो चलेगा। परफेक्ट, तुम दोनों स्पा जाओ, मैं और स्पाइक यहाँ का सारा काम संभाल लेंगे। हम सब कुछ अच्छे से संभाल लेंगे। ओके, इसमें वो सब कुछ लिखा है जो तुम्हें पिक्स को खाना खिलाने के लिए मालूम होना चाहिए, पर शायद मुझे ही तुम्हारे साथ मिलकर ये निपटा देना। एप्पल जैक, सच में अगर हमारे पास एक लिस्ट है तो 100% हम सब कुछ संभाल लेंगे। ठीक है, और यहाँ की बिल्कुल फिक्र मत करना, स्पाइक और मैं यहाँ पर सब कुछ संभाल लेंगे। मेरा मतलब सिर्फ पिक्स को खाना ही तो देना है, ये इतना मुश्किल नहीं होगा। ट्वाइलाइट, मुझे खुशी है कि हम ये कर रहे हैं रैरिटी। मैं काफी दिनों से काम को स्पा टाइम से ज्यादा अहमियत दे रही थी। हाँ, हमारे पास एक ही घंटा है, पर मैं स्टीम लेने का इंतजार नहीं कर सकती। स्टीम तो बस शुरुआत है, मुझे पता है हमें क्या करना है, और एक घंटा बिल्कुल परफेक्ट होगा। ओके स्पाइक, लिस्ट के साथ तैयार हो? तैयार। चलो शुरू करते हैं। स्टेप वन, गेट को खोलो। ओके,
स्टेप टू, गेट को बंद करो। हाँ? यही लिखा है। स्टेप थ्री, दूर चली जाओ। दूर चली जाऊं? सच में? उम्मीद है मेरे लौटने तक ट्वाइलाइट और स्पाइक सब संभाल लेंगे। सुनो एप्पल जैक, अगर हमें सच में मजे करने हैं तो तुम्हें ये मानना पड़ेगा कि तुम छुट्टी पर हो और वहाँ सब कुछ बिल्कुल ठीक ही होगा। जानती हूँ तुम सही कह रही हो, मुझे बहुत खुशी है कि हम कर रहे हैं और अगर सब एक घंटे के अंदर हो जाए तो मुझे यकीन है सब कुछ ठीक होगा। बिल्कुल, अब प्लीज इस तरफ आ जाओ, आराम हमारा इंतजार कर रहा है। रेनबो डैश, तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाँ, मुझे तो नहीं पता था कि तुम्हें भी स्पा पसंद है। क्या? बिल्कुल भी नहीं, कम से कम फूफरो वाला तो नहीं। हाँ, मैं लगता है उस दिन वंडरबॉल्स की ट्रेनिंग के दौरान मुझे चोट लग गई। मैं तो यहाँ बस एक डीप टिश्यू स्पोर्ट्स मसाज के लिए आई हूँ। मिस डैश, मुझे माफ करना, पर क्या है ना कि हम थोड़ा लेट चल रहे हैं और हम अभी तुम्हारे पैम्पर्ड मसल मसाज और इंडल्जेंट होफी केयर के लिए तैयार नहीं है। मुझे पूरा यकीन है कि मैंने इन सर्विसेज के लिए नहीं कहा था, पर तुम तो यही करवाती हो। और लगता है कि आज तुम पहले ही बहुत बिजी हो। मैं कल वापस आ जाऊंगी, मैं तुम दोनों से बाद में मिलती हूँ। याद रहे, कल मैं सेम सर्विसेज लूंगी। बुरा हुआ कि रेनबो डैश को पसंद नहीं है वो फ्रू फ्रू स्पा ट्रीटमेंट, वो हमें अच्छी सी स्टीम में ज्वाइन कर पाती। इंतजार नहीं हो रहा। बिल्कुल, वैसे अगर वो डैशी को फिट नहीं कर पाए तो पता नहीं यहाँ सब कितने लेट चल रहे होंगे, वो एक बहुत ही टाइट शेड्यूल पर है। शायद स्टीम रूम के लिए ज्यादा पोनीज वेट कर रही हैं। नहीं, हम सब उसी के लिए वेट कर रहे हैं। उम्मीद है कि तुम जल्दी में नहीं होगी। तो यहाँ सब पोनीज को स्टीम बाथ चाहिए? हाँ, बिल्कुल चाहिए। हम यहाँ ऐसे ही खड़े हैं क्या? वेल, इसका मतलब ये है कि हमें अपना टाइम स्पा में कुछ और करके बिताना होगा। और कुछ नहीं, मैं यहाँ स्टीम बाथ लेने आई हूँ और वही लेकर रहूँगी। पर हमारा ज्यादातर टाइम तो इस लाइन में से निकलने में लग जाएगा। रैरिटी, मेरी फेवरेट कस्टमर, और एप्पल जैक। वेल, तुम दोनों यहाँ एक साथ काफी दिनों बाद दिखाई दी हो, तुम्हें यहाँ देखकर बहुत अच्छा लगा। वेल, काश हम भी ये कह सकते। हाँ, स्टीम रूम का वेट टाइम पिछले कुछ दिनों से कुछ ज्यादा ही होता जा रहा है, पर मैं तुम्हारी हमेशा की ट्रीटमेंट्स जल्दी करवा सकती हूँ। स्टीम के बिना नहीं। जैसे कि तुम देख रही हो, एप्पलजैक स्पा में अपना टाइम स्टीम के बिना शुरू नहीं करना चाहती और हमारे पास सिर्फ एक घंटा है। ये तो प्रॉब्लम है। एप्पलजैक, तुम कहाँ जा रही हो? आप लोग सब यहाँ क्यों खड़े हैं? बस स्टीम बनने का इंतजार कर रहे हैं। स्टीम के बना एक स्टीम रूम बस एक अपने कमरे जैसा है और मेरे घर में ऐसे बहुत कमरे हैं क्योंकि मैं एक मैंशन में रहती हूँ। स्टीम को पोनी विल डे स्पा क्वालिटी तक पहुँचने में वक्त लग रहा है, हमें वार्म टॉवल सर्विस भी शुरू करनी पड़ी। देरी के लिए माफी चाहती हूँ पोनीज, प्लीज आगे बढ़िए। तो अगर तुम्हारे पास जरूरी स्टीम नहीं है, इसका मतलब तुम्हारे पास गर्म पानी की कमी है। ओह, एप्पल जैक, सच में क्या हम बस होफी क्योर नहीं ले सकते? हमारे पास टाइम नहीं है। हमारे पास यहाँ क्या है? लो,
क्या, और इस वक्त मैं मशीन में हूव्स भिगोने के लिए तैयार हूँ ताकि मेरा पूरा वक्त बर्बाद ना हो। पोनी विल डी स्पा को अपनी साफ सफाई पर फक्र है और साफ लेनेंस इसका बहुत जरूरी हिस्सा है। वेल जरूर, पर क्या तुम इन सभी मशीन्स को रोजाना पूरे दिन फुल बोर पर चलाते हो लगातार हर रोज? जवाब है नहीं, लेकिन पोनीज को वार्म टॉवल सर्विस बहुत पसंद है। तुम दोनों को टॉवल चाहिए क्या? देख के तो नहीं लगता कि और कुछ बचा है। जैसा कि मैंने कहा, वार्म टॉवल्स बहुत डिमांड में हैं। लगता है मैंने प्रॉब्लम का पता लगा लिया है। यहाँ एक छोटा सा लीक है जिसका मतलब है स्टीम को बनने में थोड़ा ज्यादा वक्त लग रहा है और इंतजार के दौरान पोनीज को ठंड लग जाती है। ठंड होने पर पोनीज खुद को टॉवल में लपेटना शुरू कर देती हैं और उन सभी गंदे टॉवल्स को साफ करना पड़ता है क्योंकि पोनी विल डे स्पा को अपनी सफाई पर फक्र है। क्या? बेसिकली स्टीम की कमी के कारण ज्यादा टॉवल यूज हो रहे हैं। इसका मतलब लॉन्ड्री में वो पानी इस्तेमाल हो रहा है जो स्टीम बनाने के लिए चाहिए और प्रॉब्लम बढ़ती रहती है। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था। बहुत खूब, अब जब हमने स्टीम का रहस्य सुलझा लिया है, हम वापस अपने 1 घंटे से काफी कम वक्त के आराम पर जा सकते हैं। रेडी, क्या तुम मजाक कर रही हो? मैं ये सब ऐसे ही नहीं छोड़ सकती। मुझे अपने टूल्स की जरूरत पड़ेगी। बंद हो गया है तो पोनी टॉवल का इस्तेमाल नहीं करेंगी क्योंकि उन्हें ठंड नहीं लगेगी और इतनी सारी लॉन्ड्री के बिना हमारे पास काफी सारी स्टीम होगी सब पोनीज के लिए। और मुझे दिन में सिर्फ 1 बार धुलाई करनी होगी। वाओ एप्पल जैक, क्या तुमने कभी स्पा इंडस्ट्री में काम करने के बारे में सोचा है? मैं जरूर तुम्हारे लिए कुछ काम ढूंढ सकती हूँ। नहीं थैंक्स, मैं बस खुश हूँ कि आखिरकार स्टीम में थोड़ा आराम कर पाऊंगी। क्या कहती हो रैरिटी? आइडिया बहुत अच्छा है एप्पल जैक, पर बदकिस्मती से तुमने स्टीम रूम को ठीक करने में इतना टाइम लगा दिया कि हमारे पास वक्त ही नहीं बचा। सच में लीक्स चेक करने का आइडिया तुम्हारे दिमाग में क्यों नहीं आया? क्योंकि यहाँ सोचने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। चीजों को वैसे ही देखने की आदत पड़ जाती है और हम प्रॉब्लम को नहीं समझ पाते। तुम्हें सिचुएशन को समझने के लिए किसी बाहर वाले की जरूरत है। तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि एप्पल जैक ने तुम्हारी मदद की। मुझे माफ करना रैरिटी, हमें ये किसी और दिन करना होगा। ट्वाइलाइट और स्पाइक ने अब तक पिक्स को खाना खिला दिया होगा। सुनो, ट्वाइलाइट बहुत ही जिम्मेदार पोनी है, वो सोच लेगी कि उसे आगे क्या करना है। देखो, मैं जानती हूँ कि ट्वाइलाइट एक प्रिंसेस और एलिकॉन है, पर वो एक फार्मर नहीं है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी फार्म पर बिता दी और ये ऐसा काम नहीं है जो बिना समझे किया जा सके। बेशक, क्यों ना हम वापस चलकर ट्वाइलाइट को समझाएं कि आगे क्या करना है और फिर हम यहाँ आकर आराम कर सकते हैं। वेल, शायद मैं कोशिश कर सकती हूँ। उम्मीद है अब तक सब कुछ सही चल रहा होगा। ओह एप्पल जैक, सच में सब ठीक क्यों नहीं चल रहा होगा? क्या उड़कर जाना ज्यादा आसान नहीं होगा? मैंने कहा ना स्पाइक, हम एप्पल जैक की लिस्ट को पूरी तरह फॉलो करेंगे और एप्पल जैक उड़ नहीं सकती। मुझे माफ करना रैरिटी, पर
पर लगता है कि मुझे ये काम खुद ही निपटाने होंगे। ट्वाइलाइट डार्लिंग, तुम यहाँ पर कैसे पहुँची? स्पाइक और मैं एप्पल जैक के लिस्ट को पूरी तरह से फॉलो करने की कोशिश कर रहे थे। शायद ये प्लान अच्छा नहीं था। मुझे माफ करना एप्पल जैक, पर हमने अब तक पिग्स को खाना खिलाना शुरू भी नहीं किया था। कोई बात नहीं ट्वाइलाइट, तुमने पूरी कोशिश की होगी, पर मुझे लगता है कि एक लिस्ट वो सब कुछ नहीं समझा सकते जो मैं करती हूँ। कम से कम तुम दोनों को स्पा में साथ वक्त बिताने का मौका तो मिला। हाँ, इससे काफी आराम मिला होगा। वेल, अगर एप्पल जैक को प्लम्बिंग ठीक करते हुए देखना आरामदायक कहलाता है तो हाँ। तो तुम्हारे स्पा परफेक्शन के एक घंटे का क्या हुआ? वहाँ पता चला कि पोनीविल डे स्पा की स्टीम रूम में कुछ प्रॉब्लम थी और एक पोनी ने तब तक आराम करने से मना कर दिया जब तक वो उसे ठीक नहीं कर देती। मुझे माफ करना, पर मैं नहीं चाहती कि वो स्पा पोनीज एक पल भी उन प्रॉब्लम्स को झेले जिनके बारे में उन्हें पता भी नहीं था। किसी तरह उन्हें इतनी सारी पोनीज को इंतजार करते हुए देखने की आदत पड़ गई थी, पर स्पा जेम को ध्यान से देखकर मुझे पता चल गया कि कुछ तो करना पड़ेगा। कभी कभी एक छोटी सी चीज भी पूरे ऑपरेशन को बिगाड़ देती है, चाहे कोई लीक करता हुआ पाइप हो या फिर बहुत सारी लॉन्ड्री। तुम बस पुराने तरीके से काम करते हुए उम्मीद नहीं कर सकते कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। मतलब ये सोचना ही बकवास है कि आप ऐसा कर सकते हैं, है ना? मुझे ये सोचकर हंसी आ रही थी कि जो एक्स्ट्रा काम वो कर रहे थे उससे सब कुछ बदतर होता जा रहा था। मेरा मतलब ये मुमकिन है कि आप एक रूटीन में उलझ जाओ जहां एक्स्ट्रा काम करना पड़े और प्रॉब्लम का पता ना चले, पर मैं इसके बारे में सोच भी नहीं सकती। तुम सब मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि तुमने जो भी कहा वो पिग्स को खाना खिलाते वक्त कहना जरूरी होता है? क्या? बिल्कुल, अगर ये जरूरी नहीं होता तो मैं क्यों करती? देखो ये गेट इतनी जोर से आवाज करता है कि पिग्स पेन की दूसरी तरफ चले जाते हैं और वापस बाहर नहीं आते, इसलिए मैं खोल कर बंद करती हूँ ताकि उन्हें सब कुछ ठीक लगे। पर अब तो इसमें से आवाज नहीं आ रही। आवाज कैसे आएगी? मैंने इसे कब का ठीक कर दिया? फिर मुझे समझ आया कि उन्हें थोड़ा सा डराने से वो पेन से बाहर आ जाते हैं। मुझे तो वो डरे हुए नहीं दिख रहे। वेल, नहीं, उन्हें इसकी आदत हो गई है, तो इसीलिए मैंने चिकन डांस करना शुरू कर दिया, ये बताने के लिए कि अगर उन्होंने खाना नहीं खाया तो चिकन खा लेंगे। वेल, चिकन बनने के बाद मैं गेट नहीं खोल सकती। खाने की बाल्टी को इसमें गिराना तो एक प्यारा सा एक्सीडेंट था, क्योंकि एक बार मैं गलती से भूल आई थी। एप्पल जैक, लगता है तुम अब तक उन प्रॉब्लम्स को ठीक करने की कोशिश कर रही हो जो कि अब प्रॉब्लम्स रही ही नहीं। वेल, क्या कहा? शायद एक्स्ट्रा काम करने में उलझ जाना इतना मुश्किल भी नहीं है। मैं सोच रही हूँ कि मैं बाकी काम की वजह ये तो ज्यादा नहीं कर रही हूँ। वेल, पता लगाने का बस एक ही तरीका है। लगता है कि मुझे सब कुछ एक तरीके से करने की आदत हो चुकी थी। मैंने सोचा ही नहीं कि इसमें कोई प्रॉब्लम है।
एक ऐसा दोस्त भी जरूरी होता है जो दूर से देखकर प्रॉब्लम्स को समझ सके। और मेरे ख्याल से अगर हमने स्पा में वो सब काम नहीं किया होता तो हम में से कोई भी समझ नहीं पाता। वेल, अब जब तुम्हारे सारे काम सुलझ चुके हैं तो तुम एक्स्ट्रा टाइम में क्या करने वाली हो? मेरे ख्याल से मेरे पास कुछ आइडियाज हैं। हाँ, क्या तुम्हें लगता है कि हमारे पास आराम करने का वक्त है या तुम कुछ और सोच रही हो? ओह प्लीज, कई दिन तक चलने वाले ट्रीटमेंट्स प्लान कर सकती हूँ। फिलहाल सब बाकी के दिन के प्लान से शुरू करते हैं। फार्म पर इतना काम करने के बाद मैं सीरियसली थोड़ा सा आराम करना चाहती हूँ। थैंक्स मुझे ये बताने के लिए कि एक जगह खाली है। पता नहीं मैं अपने पैम्पर्ड मसल मसाज के बिना क्या करती। तुम उसकी चिंता मत करो, क्या मैं तुम्हारी कल की अपॉइंटमेंट भी बुक कर दूँ? बिल्कुल, कभी कभी एक पोनी को खुद को पैम्पर भी करना चाहिए। मैंने सही कहा ना? बिल्कुल सही कहा। मैं तो बस यहाँ स्पोर्ट्स पैम्परिंग ले रही थी। घबराओ मत रेनबो डैश, हम भी बस थोड़ी सी पैम्परिंग करवाने ही जा रहे थे। तुम भी हमारे साथ आ सकती हो, लेकिन तभी अगर तुम थोड़ा सा झेलने के लिए तैयार हो जाओ फ्रू फ्रू ट्रीटमेंट्स। मुझे लगता है कि मैं ये कर सकती हूँ, मतलब कि तुम पॉनीज के लिए। पकड़ी गई।